हे फ्रेंड्स, न्यू ईयर आने ही वाला है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अगर आप केक बनाना चाहते हैं तो बिना ओवन बिना कढ़ाई के सिर्फ 15 मिनट में बनाइए ये मज़ेदार सा केक बहुत ही आसानी से, जिसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं उसे बनाना बिना देर किए हुए। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 ब्रेड की स्लाइसेस लिए, जिसके कॉर्नर्स मैंने काट दिए हैं क्योंकि कॉर्नर्स जो है वो खाने में अच्छे नहीं लगते। और इसके बाद में अब हम अपनी क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बोल में 2/3 कप व्हिप क्रीम ली है, जिसे अब मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूँगी स्टिफ पीक आने तक। आप चाहे तो हैंड विस्कर से भी इसे बीट कर सकते हैं, उससे 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको स्टिफ पीक आने में। तो कुछ मिनट तक बीट करने के बाद में यहाँ पर ये हमारी सॉफ्ट पीक आ गई है। अभी इसे मैं 3 से 4 मिनट तक और बीट करूँगी, उसके बाद में हमारी जो स्टिफ पीक है वो आ जाएगी। तीन से चार मिनट हो गए हैं, 3 से 4 मिनट और बीट करने के बाद में अब हमारी आप देख सकते हैं स्टिफ पीक आ गई है। इसके लिए मैं आपको बोल उल्टा करके भी दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट हमारी क्रीम जो है वो तैयार हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर मैंने एक टर्निंग टेबल लिया है, उसके ऊपर मैंने व्हिप क्रीम लगाई है। अगर आपके पास टर्निंग टेबल नहीं है तो आप नीचे ग्लास और उसके ऊपर एक थाली रख के उसे भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हम अपनी एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे जो कि उसके ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर हम अपनी व्हिप क्रीम लगाएंगे। मैंने यहाँ पर शुरू पे शुगर सॉल्यूशन लगाना भूल गई थी, जो कि मैंने सेकंड लेयर अपनी जब ब्रेड की रखी तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे चीनी और पानी का जो घोल होता है नॉर्मल, वो इसके ऊपर लगाया है। तो आप पहले में भी ये कर सकते हैं। अभी उसके बाद में फिर मैंने इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगाई है और इसी तरीके से मैं अपनी सारी ब्रेड की स्लाइसेस जो है एक के बाद इसके एक इसके ऊपर रख दूंगे। और अब यहाँ पे ये मैं अपनी लास्ट स्लाइस जो ब्रेड की है वो रख रही हूँ इसके ऊपर, और उसके ऊपर मैं खूब सारी व्हिप क्रीम लगा रही हूँ और इसके साइड्स में कॉर्नर में भी लगा के इसे हम स्मूथ करेंगे। पैलेट नाइफ से या फिर एक प्लास्टिक स्क्रैपर से भी हम ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्हिप क्रीम लगाने के बाद में और इसे स्मूथ करने के बाद में अब इसे हम सेट होने के लिए फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। थोड़ी सी कंपाउंड चॉकलेट लेके यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा घस लूँगी, इसका थोड़ा सा बुरादा निकालेंगे हम चॉकलेट का। कुछ इस तरीके का, और उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। 5 मिनट के बाद हम केक को बाहर निकालेंगे और उसके ऊपर मैं ये थोड़ी सी गनाश जो है चॉकलेट की मैंने बना के इसे पाइपिंग बैग में भर दी है और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे और बाद में इसे पैलेट नाइफ से हम इसे स्मूथ कर देंगे। और उसके बाद में हमने जो चॉकलेट का बुरादा बनाया था वो हम इसके साइड साइड में चारों तरफ लगा देंगे। उसके बाद में मैंने ये बची हुई जो व्हिप क्रीम थी वो पाइपिंग बैग में भरी है और स्टार नोजल लिया है, और उसके बाद में अब इससे मैं ये डिजाइन्स बना रही हूँ। आप चाहे तो अपनी मनपसंद डेकोरेशन भी इसमें कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली हमने सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे हैं इस केक को बनाने में, और इतना मज़ेदार सा केक बिना ओवन बिना कढ़ाई के और बिना बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के हमने इसे घर पे ही बना लिया है। हमारा यम्मी सा केक जो है वो बिल्कुल तैयार है। न्यू ईयर पे आप अपने घर पे इसे ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करके देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फिर इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।